नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम मिलेंगे प्रिंस नरोला को, जो है स्प्लिट विला के विनर और बिग बॉस के विनर। एक्सोटिक वेब मीडिया में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, और प्रिंस जी आपका भी मैं हमारे सूरत शहर में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको पूछूंगी, आज मतलब आप पहली बार शायद सूरत आए हुए हैं? सेकंड टाइम आए हैं। तो फर्स्ट टाइम आए थे तब कैसा लगा और अभी कैसा लगा वो बताइए आप। थैंक यू सो मच पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सूरत हमेशा मेरी एक फेवरेट सिटी से है, क्योंकि मैं यहाँ सेकंड टाइम आया हूँ और मुझे हमेशा हमें बहुत वार्म वेलकम मिलता है। फर्स्ट टाइम आया था, कॉलेज इवेंट था तो बहुत सारा क्राउड था, और आज मैं मॉडल फैक्ट्री की तरफ से आया हूँ फोटोशूट के लिए, जहाँ पर लोगों को गाइड करने का मुझे मौका मिला, और वहाँ पर भी बहुत सारा क्राउड था। जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे मैंने उनका फोटोशूट कराया। सो आई थिंक ये फोटोशूट जो चल रहे हैं, ये आई थिंक हमारे टाइम में जैसे 3-4 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी, यू नो। अभी लोगों को मिलने का मौका मिलता है, वो गाइड हो सकते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करें सर, ये चीज़ ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि फ्रॉड कौन है और कौन सही है ना शोज़ के लिए। तो बाहर कुछ लोग कास्ट करते हैं जो पैसे लेकर कहते हैं कि हम तुम्हें शो में करवा देंगे, जो सच नहीं है। तो अब हम उन्हें बता पाते हैं कि गाइस जो भी तुमसे पैसे मांगता है वो इज़ लायर, सो वो सही नहीं है, और उनको बता पाते हैं कि तुम ऐसे ऑडिशन दो, यू नो, तुम अपनी फिटनेस को ऐसे रखो। सो अब ये चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं, ऐसी चीज़ें जो आ रही हैं मार्केट में और लोग हमें ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, उसी से इन सबको फायदा मिलता है। सो मैं बहुत खुश हूँ सूरत में आगे, और मैं चाहूँगा कि आगे भी मैं आता रहूँ। मैंने आज सूरत की जब मैं आ रहा एयरपोर्ट से, मैंने देखा कि काफ़ी सुबह से मॉर्निंग में बहुत सारे लोग पैदल चलते बीच पे जा रहे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो कह रहे कि संडे को सब लोग छुट्टी मनाते हैं यहाँ पर। सो बहुत अच्छा लगा देखने, ऐसा लगा कि यार मैं कोई और कंट्री में हूँ एक्चुअली, यू नो, कि इतना सब एक साथ होकर जाते हैं, वहाँ पर मस्ती करते हैं, देन यू नो वीकेंड के सारे जो खुशियाँ बनाते हैं, जो भी सारा स्ट्रेस है जो एक हफ्ते का होता है वो दूर करके आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। मतलब ये सूरत जो हमारा स्मार्ट सिटी कहलाया जाता है, ये तो शान है हमारे सूरत की। जो आप जो एरिया में गए थे वो तो हमारे सूरत की शान है। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई वो हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, मेरी जर्नी मिस्टर पंजाब से शुरू हुई थी 2014 के एंड से। मैंने मिस्टर पंजाब के ऑडिशन दिए थे, तो मैं वहाँ फाइनलिस्ट था, फर्स्ट रनर अप, एंड उसके बाद मेरे को रोडीज का ऑडिशन होता था, ऑडिशन हो रहे थे, मैं पुणे गया था ऑडिशन देने, देन मैं वहाँ पर सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं वो शो जीता, देन मुझे स्पिट्सला से खुद कॉल आया था कि MTV से कि हम चाहते हैं कि आप स्पिट्सला में आएँ, एंड भगवान ने इतना ब्लेस किया था कि मैं वो शो भी जीत गया था। देन सडनली मैं कोई शो साइन करने वाला था, बट मैं TV देख रहा था, एंड मैंने कहा यार मैं 3 शोज़ कर लिया, बिग बॉस की आ रही थी, तो मैंने बोला आई विश मेरे को ये शो भी आ जाए, मैं इसमें जाऊँ। और पता नहीं शायद उस टाइम सरस्वती बैठी थी, और 5 मिनट के बाद मुझे कॉल आ गया था बिग बॉस से कि हम चाहते हैं कि आप हमारे शो में और उसका पार्ट बने। तो नेक्स्ट 1 घंटे मैंने वो शो साइन कर लिया था, और 2 दिन के बाद मेरी शो में एंट्री थी। मतलब बहुत ही अच्छी जर्नी रही है आपकी इस फील्ड में, ताकि बहुत सारे लोगों को तो बहुत सारे कष्ट करने पड़ते हैं इसी फील्ड में जाने के लिए, तो आपको नहीं करना पड़ा ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं मैम, कष्ट सबको करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं मुझे आते ही काम मिल गया था। मैं बॉम्बे में आया, उसके बाद मैंने रोडीज किया, मुझे वेट करना पड़ा वहाँ पर, देन मैंने एक्टिंग ज्वाइन की, यू नो कोर्स ज्वाइन किया मैंने, वो 3-6 महीने कहते हैं मुझे सारा कॉल है। हर शो में लोग आते हैं, शो को पार्टिसिपेट करते हैं और चले जाते हैं। मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने एक्चुअली पूरा अपना 1000% दिया शो में। मेरे शो में पैर टूटा, नाक टूटा, और मेरे स्टिचेज आए थे, सो कितनी चीज़ें मेरे शो में हुई थी। जो मेरे फाइनल जो मैं फिनाले में था, मैं गुरमीत जो करंट टास्क था वो -degree टेम्परेचर में, जहाँ पर लोग 4 कोट पहन के बैठे थे, हम सिर्फ शॉर्ट्स में थे, पूरी बॉडी हमारी ऐसी थी, और उसके बाद गीली मड में, उसके बाद वहाँ से निकल के करंट में थे, जहाँ पे मेरे और गुरमीत के हाथों के और पैरों के नेल्स निकल गए थे वो टास्क करते हुए सारे के सारे, तो डॉक्टर ने बैंडेज लाकर जोड़े थे वो। सो कोई भी ये स्ट्रगल ही है ये सब कुछ, एक शो को जीतना, उसके बाद जब तुम हार्डवर्क करते हो तो भगवान और पूरी दुनिया तुम्हें प्यार करती है, तो तुम्हारे लिए रास्ते ईजी हो जाते हैं। ये नहीं होता कि स्ट्रगल कम हो जाता है, रास्ते ईजी हो जाते हैं कि लोग तुम्हें उतना प्यार करते हैं, उतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। मैं तो चाहता हूँ कि इस शोज में जो भी आए उनका बहुत सारा नाम बने, क्योंकि वो शो ही बहुत बड़ा शो है, उसकी रिस्पेक्ट करें सर। रिसेंटली मेरा यस शो आ रहा है, वो अभी अनटाइटल है, मैं बता सकता हूँ, और अभी एक मूवी भी है जो भी अनटाइटल है, और उसके अलावा मेरे अभी बर्न आउट गाना रिलीज है बहुत जल्दी, उसके बाद मेरे 7 ट्रैक्स हैं जो बैक टू बैक हर मंथ में रिलीज होने वाले हैं। सो बहुत सारी चीज़ें अभी जो आने वाली हैं।
मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे दर्शकों को देखनी रहेगी, टीवी स्क्रीन पे देखनी रहेगी, आपको नहीं बताएंगे। और मेरे सारे गाने ऐसे हैं जहाँ पे वो लोग प्रिंस को रिलेट करेंगे, और हर गाने की वीडियो मेरे स्टाइल के साथ, मेरे लोगों की जर्नी के साथ, जो मेरे लोगों के साथ प्यार है उसके साथ हमेशा कनेक्ट रहेगी, ताकि लोग हमेशा प्राउड फील करेंगे कि वो प्रिंस को प्यार करते हैं। जी बिल्कुल, हम भी आपको, हमारे सूरत की शहर की जनता भी आपको बहुत प्यार करेगी और आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे, ऐसी हमारी चैनल की भी शुभकामना रहेगी। और अभी आपको लास्ट क्वेश्चन यही करूंगी आपको कि आज जो जहां पे आप आए थे जो प्रोग्राम के लिए, तो उसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं मॉडल फैक्ट्री में बुलाया था जहाँ पर इवेंट के लिए, जहाँ पर एक फोटोशूट रखा गया था, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, वो पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, उनका प्रोफेशनल फोटोशूट किया जाता है जो उनकी आगे जर्नी में काम आता है। सो इसके साथ उनकी वर्कशॉप थी जहाँ पर वो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम रियलिटी शो में कैसे जा सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, और हम अपने में क्या चेंज लाएँ कि हमें उस शो में एंट्री मिल जाए। तो मैं उनको बोलता हूँ कि कुछ भी किसी के हाथ में नहीं है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है, सब तुम्हारा हार्ड वर्क है, यू नो। सो ये शो उसी के बेस पे था कि हम लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लेकर। और उसके साथ साथ हमें मौका मिलता है, अगर हम नॉर्मल लाइफ में बॉम्बे में काम करें, हम 15 घंटे 16 घंटे एवरी डे शूट करते हैं, यू नो, हमें टाइम नहीं मिलता कि हम लोगों को जाकर पिक्चर्स ले करवा पाएँ और हम उन्हें मिल पाएँ। सो ये एक मौका होता है कि जहाँ पर वो भी हमें मिल पाते हैं और हम भी उन्हें मिल पाते हैं, यू नो। तो ये हम दोनों के लिए खुशनसीबी होती है कि ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम टाइम निकाल कर आते हैं और इन सब लोगों से बात कर पाते हैं, मिल पाते हैं और जान पाते हैं कि अभी उन लोगों के दिल में हमारे लिए क्या चल रहा है और हमारे दिल में उनके लिए कितना प्यार है। जी बहुत ही बढ़िया। और लास्ट यही पूछूंगी कि आप यहाँ पे जी होटल में रुके हुए हैं, तो उनको ये होटल आपको कैसा लगा? मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे रुका हूँ एंड आई लव इट। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर नहीं है, बहुत शांति में है, और इनके जितने भी हम कॉल करता हूँ तो साथ के साथ सब आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। सो मुझे बहुत पसंद आया एक्चुअली। अगर मैं दोबारा आया तो मैं सबको बोलूँगा कि प्लीज़ मैं स्टे यहीं पर। जी जी बिल्कुल, हमारे ये जैसे आप वो गौरवपथ एरिया में गए थे जो एयरपोर्ट रोड था, उसी को ये दूसरा मतलब VIP रोड ही इसे भी कहा जाता है, मतलब हमारे अडाजन रांदेर एरिया में ये फर्स्ट ऐसा होटल है जो VIP होटल बोल सकते हैं, इसको 5-स्टार होटल बोल सकते हैं। तो ये होटल के सभी जो है ऑनर है, उनके जो सभी स्टाफ भी यहाँ पे खड़े हैं, तो सबको भी मैं शुभकामना देती हूँ कि हमेशा आपकी होटल में ऐसे ही सेलिब्रिटी आती रहे और हम आते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।